हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल। क्लास थ्री, सब्जेक्ट एसएसटी, चैप्टर्स 18, द इन्वेंशन ऑफ व्हील। आज हम आपको पढ़ाएंगे पहिए की खोज, ठीक है, किस तरह पहिए का आविष्कार हुआ है उनके बारे में। अच्छा, पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल की तरफ से आप सभी के लिए एक सरप्राइज ऑफर किया है। 2022 में जब आप न्यू एडमिशन कराइएगा, न्यू सेक्शन जब स्टार्ट होगा, उसमें आप लोगों का 6 मंथ का मंथली फीस को फ्री किया गया है। ओके, चलिए अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इन द बिगिनिंग द ईयरली मैन यूज टू कैरी हिज लोड ऑन हिज बैक एंड वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, बट लेटर ऑन द स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू कैरी हिज लोड्स। यानी प्रारंभ में मनुष्य अपना भार अपनी पीठ पर ढोता था और लंबी दूरी चलता था, लेकिन बाद में उसने अपना भार ढोने के लिए जानवरों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ओके, लेटर द अर्ली मैन वुड हैव सीन सम लॉग्स ऑफ वुड फ्लोटिंग इन वाटर, द वुड हैव यूज्ड टू दिस लॉग्स फॉर स्विमिंग, देन ही वुड हैव टाइड मैनी लॉग्स टुगेदर एंड मेक ए रैप्ट। बाद में मनुष्य के लकड़ी के कुछ लट्ठों को पानी में तैरते देखा होगा, उसने इन लट्ठों का इस्तेमाल तरीके के लिए तैराकी के लिए किया होगा, और वह एक बड़ा बेड़ा बनाने के लिए कई लट्ठों को साथ बांध लेता था। अब इन रैप्टों को नदी में लंबी दूरी तक आसानी से ले जाया जा सकता था। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो है लट्ठर लकड़ी का, वो पानी में नहीं डूबता था, ठीक है, इसलिए वो उनको इस तरह से बना के तैराकी यानी इस पर बैठ के आराम से नदी को पार करने के लिए बनाया था, ठीक है। नाउ ही कुड गो लॉन्ग डिस्टेंस इन द रिवर इजली ऑन दिस रैप्ट्स, लेटर द अर्ली मैन वुड हैव द स्टार्टेड मेकिंग बोट्स विथ हॉलो लॉग्स, रैप्ट्स एंड बोट्स मेड ट्रेवलिंग अक्रॉस रिवर इजी। और फिर उन्होंने क्या बनाया, छोटे छोटे नाव, जो नाव होते हैं ना, नाव बनाया बोट्स, ठीक है, बोट्स बनाया, जिससे क्या होता है उन लोग का जो नदी का जो रास्ता होता है वो पार करने के लिए इजी हो गया, वो आराम से इस साइड से उस साइड जाने सकते थे, ठीक है। बट ट्रेवलिंग ऑन लैंड हैज स्टिल ए बिग प्रॉब्लम्स, ही मेड कार्ट विदाउट व्हील्स बाय यूजिंग लॉग्स ऑफ वुड, दिस कार्ट इज कॉल्ड ए स्लेड्स, द एनिमल द अर्ली मैन प्लेस्ड हिज लोड्स ऑन द स्लेड्स एंड पुल्ड इट हिमसेल्फ, बट ही वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू पुल इट ऑन अनइवन और रफ सरफेस। लेकिन जमीन पर यात्रा करना अभी भी एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने लकड़ी के लट्ठों को उपयोग करके बिना पहिए की गाड़ी बनाई। इस गाड़ी को स्लेज कहा जाता था। शुरुआती नदी में अपना भार स्लेज पर रखा और उसे खींच लिया। उसने इसे आसमान में लेकिन उसे आसमान या खुरदरी सतह पर खींचना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने जो लट्ठर होते हैं, लट्ठे से उन्होंने गोल गोल पहिए बनाए, ठीक है, उस तरह से वो वहाँ पे जो रास्ता ख़राब होता है उस रास्ता में तो वो उस तरह के पहिए नहीं खींच सकता है ना पहिए से, ठीक है। लेटर द अर्ली मैन यूज टू एनिमल टू पुल द स्लेज, द अर्ली मैन कीप थिंकिंग ऑफ द समथिंग बेटर। वन डे द अर्ली मैन रियलाइज दैट द राउंड पीस ऑफ द ट्री ट्रंक्स एंड राउंड स्टोन्स कुड इजली रोल ऑन द ग्राउंड। एक दिन उसके बाद क्या हुआ, बाद में शुरुआती स्लेज खींचने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया। जब स्लेज बनाया था उनको जानवरों से खींचा करते थे, ठीक है। जानवरों का इस्तेमाल किया, प्रारंभिक मनुष्य कुछ बेहतर सोचता रहा और मनुष्य जो थे वो आगे के बारे में और सोचता रहा। एक दिन आदमी ने अपने महसूस किया कि पेड़ों के तनों और
गोल पत्थरों के टुकड़े आसानी से जमीन पर लुढ़क सकते हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो पेड़ के जो गोल गोल जो वहाँ पे देखिए इस टाइप का जो गोल गोल बना रहा है, ये जो है वो ज़मीन पे आराम से लुढ़क के जा सकते हैं, या पत्थर के जो गोल टुकड़े होते हैं वो भी ज़मीन पे लुढ़क के आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो उसे मिल गया और उनको आइडिया मिल गया, आइडिया इज मेकिंग सम काइंड्स ऑफ विन। दिस वॉज द प्रोबेबली हाउ द अर्ली मैन इन्वेंटेड द व्हील। उसके बाद क्या हुआ, उनको जब ये पता लग गया कि ये इस तरह से हम पहिया बनाने का उपयोग कर सकते हैं, मतलब उनको पहिया बनाने का विचार आ गया। ठीक है, दिस वॉज सॉरी नाउ ही कट द राउंड पीस ऑफ द ट्री ट्रंक द फिक्स्ड देम ही इज द कार्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सलेक्स मेड ऑफ वुड। इन दिस वे द मेड ए कार्ट ऑफ व्हील्स। इन द बिगिनिंग दिस व्हील्स वेयर इन वेरी क्यूट शेप, बट ग्रेजुअली द इम्प्रूव्ड देयर शेप्स। व्हील्ड कार्ट्स इनवॉल्वड पीपल्स ऑफ डिफरेंट विलेजेस टू कम क्लोजर। दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स आइडिया एंड नॉलेज। फिर इस तरह से आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया। अब उसने पेड़ के तने को गोल टुकड़े को काटकर लकड़ी के बने धुरों की सहायता से अपनी गाड़ी में लगा लिया। इस तरह पहिए की एक गाड़ी बनाई। शुरुआत में ये पहिए बहुत कच्चे आकार में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आकार में सुधार किया। पहिएदार गाड़ियाँ अभी भी गाँव के लोगों को करीब के आने के सक्षम बनाती है। उन्होंने वस्तुओं विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान करना भी शुरू किया। ठीक है, टुडे वी हैव वेरियस फास्ट means of transport, they all make use of wheels. Wheels are also used to all kinds of big or small machines. Thus, we owe a lot to the early man for the comfort we enjoy today. Can you imagine the world without wheels? आज हमारे पास परिवहन के विभिन्न तेज साधन हैं। ये सभी पहिया का उपयोग करते हैं। पहिए का उपयोग सभी प्रकार की बड़ी या छोटी मशीनों में किया जाता है। इस प्रकार हम आज जिस आराम से आनंद लेते हैं उसके लिए हम प्रारंभिक व्यक्ति को बहुत ऋणी हैं। क्या पहिए के बिना दुनिया की कल्पना भी कर सकते हैं? दे आर अर्ली मैन ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द व्हील्स ऑफ मेक अर्थन पॉट्स। एवरी डे पॉटर्स यूज व्हील्स टू मेक अर्थन पॉट्स। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द लाइफ ऑफ मैनकाइंड। विद द पैसेज द नेम द अर्ली मैन फाउंड डैट सम ऑब्जेक्ट वेयर हंड्रेड देन द ऑर्डिनरी स्टोन्स। ही मेल्ट देम टू फायर एंड गोट मेटल्स फ्रॉम देम। दिस मेटल्स वुड बी चेंज इन टू वेरियस शेप्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। Melting. He is used to metals to make various things. Copper was the first material discovered by the early man. The invention of metals threw great changes in early man's life. The life became very comfortable with the invention of life, wheels and metals. पहिए के आविष्कार मानव ने भी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहिए का आविष्कार करना शुरू कर दिया। कुम्हार आज भी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहिए का ही इस्तेमाल करते हैं। पहिए के आविष्कार के बिना मानव का जीवन ही बदल दिया। पहिए का आविष्कार ने मानव के जीवन को ही बदल कर रख दिया। प्रारंभिक मनुष्य ने पाया कि कुछ वस्तुएँ पिघलने और प्रक्रिया के माध्यम से भी साधारण पत्थर उसने उन्हें आग से पिघलाया और उनसे धातु प्राप्त की। ये धातु समय बीतने विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित होने की तुलना में कठिन थी। उन्होंने विभिन्न चीज़ों को बनाने के लिए धातुओं का इस्तेमाल किया। तांबा प्रारंभिक मनुष्य का द्वारा खोजी गई पहली धातु है। तांबा जो होता है मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु है। धातुओं के आविष्कार ने प्रारंभिक मनुष्य के जीवन में बड़े परिवर्तन लाए। आग पहिए और धातुओं के आविष्कार से जीवन और अधिक आरामदायक हो गया है। आग और पहिए और धातुओं के प्रयोग से हमारा जीवन और भी सरल हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।